आज इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद की उस आयत के बारे में बताने वाले हैं जिस आयत को पढ़कर 500 अफराद मुसलमान हो गए। ये कुरान मजीद का मौजजा नहीं तो और क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म से गैर मुस्लिमों के अकल पर जो पड़ता पड़ा होता है वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और इसको पढ़ा जाए तो बहुत से लोग जब इस पर गौर व फिक्र करते हैं वो भी दीन इस्लाम के दायरेकार में दाखिल हो जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही रूपरवर वाक्या हम आपको बताने वाले हैं जिससे कुरान मजीद की बरकत के बारे में, फजीलत के बारे में हमें आगाही मिलती है। अब्दुलरहमान मोहम्मद अरिफी कहते हैं कि मैं यमन गया और शेख अब्दुल मजीद जरानी से मिला जो जैद आलम दीन है और कुरान करीम के इल्मी एजाज और साइंसी तजर्बात जो कुरान करीम की तस्दीक करते हैं उस पर मामूल हैं और शेख ने इस पर काफ़ी काम भी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने शेख से पूछा कि कोई ऐसा वाकया किसी ने कुरान करीम की कोई आयत सुनी हो और उसने इस्लाम कबूल कर लिया हो। शेख ने कहा कि बहुत से वाकयात हैं। मैंने कहा मुझे कोई एक आध वाकया बताएं। शेख कहने लगा, काफ़ी अरसा पहले की बात है कि मैं जद्दा में एक सेमिनार में शरीक था। ये बायोलॉजी और इससे इल्म में जो नए इंकशाफात हुए हैं उनके मुतालिक था। एक प्रोफेसर अमेरिकी या जर्मन शेख अरफी भूल गए, उनका उन्हें वहम था कि उसका ताल्लुक अमेरिका से था या जर्मनी। वो बताते हैं कि उसने ये तहकीक पेश की कि इंसानी एहसाब जिसके जरिए हमें दर्द का एहसास होता है इसका ताल्लुक हमारी जिल्द के साथ है। फिर उसने मसाले दी, मिसाल के तौर पर जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द को होता है, इसके बाद दर्द का एहसास नहीं होता। उस प्रोफेसर की बातों का लब लबाब यही था कि इंसानी जिस्म का दर्द का मरकज और दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द तक महदूद है, जिल्द और चमड़ी के बाद गोश्त और हड्डियों को दर्द का एहसास नहीं होता। शेख संदानी बताते हैं कि जब उन्होंने प्रोफेसर की जानिब से ये बात सुनी वो वहां खड़े इन तमाम चीजों को सुनकर बोले, प्रोफेसर साहब, जो चीज आज आप लेकर आए हैं हम तो 1400 साल पहले से आगा है। प्रोफेसर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये नई तहकीक है जो तजर्बात पर मबनी है और ये तो 20-30 साल पहले तक किसी को पता ना था। शेख जंदानी ने कहा कि हम तो बहुत पहले से यह बात जानते थे। उन्होंने किस कुरान की आयत का तर्जुमा यहाँ पर बताया और किसकी दलील पेश करके उसे कायल किया जिस पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए, वो बताने से पहले आपको यहाँ पर एक यादहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें, जिनमें बहुत से इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियोस भी शामिल हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे वो वाकया जब प्रोफेसर की जानिब से उनको कहा गया कि हमारे दीन ने तो 1400 साल पहले इसके बारे में आगाह कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 20-30 साल पहले तो किसी का इसको इल्म भी नहीं था। शेख जंदानी ने कहा हम तो बहुत पहले से ये बात जानते हैं। उन्होंने कहा वो कैसे, शेख ने कहा कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया, उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे, जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें, यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये सूरह अल निसा की आयत नंबर 56 का तर्जुमा है। जब प्रोफेसर को ये सुनाया गया तो वो हैरान हुआ, यानी कि जब अहले जहन्नम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह ताला नई जिल्द और खाल देगा ताकि नाफरमान लोग अजाब का मजा चखते रहें। मालूम हुआ कि दर्द का मरकज जिल्द है। शेख कहते हैं कि जब मैंने ये आयत पढ़ी और तर्जुमा किया वो प्रोफेसर सेमिनार में मौजूद डॉक्टर्स और प्रोफेसर से पूछने लगा कि क्या ये तर्जुमा सही है, सबने कहा तर्जुमा सही है, वो हैरान और परेशान होकर खामोश हो गया। शेख जंदानी कहते हैं कि जब वो बाहर निकला तो मैंने देखा वो नर्सों से पूछ रहा था कि जो कि फिलिपाइन और बरतानिया से ताल्लुक रखती थी कि मुझे इस आयत का तर्जुमा बताओ। उन्होंने कहा कि अपने इल्म के मुताबिक तर्जुमा किया। वो प्रोफेसर ताजुब से कहने लगा, सब यही तर्जुमा कर रहे हैं। उसने कहा मुझे कुरान का तर्जुमा दो। शेख कहने लगे मैंने उसे एक तर्जुमे वाला कुरान दे दिया। शेख जंदानी कहते हैं कि ठीक एक साल बाद अगले सेमिनार में मुझे वही प्रोफेसर मिला और कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और यही नहीं बल्कि मेरे हाथ पर 500 अफराद ने भी सलाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये इस तरह का वाकया है जिसे देखकर कुरान के मौजज़ात हमें वाज़ेह तौर पर दिखा देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर फौरी तौर पर सुभान अल्लाह कह सकते हैं, हम आपको मजीद मौजज़ात के बारे में भी बताते हैं।
दोस्तों ये बात तो हमें मालूम है कि अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े शहंशाह माने जाते हैं, जिन्हें बिग बी भी कहा जाता है, वो भी कुरान मजीद को पढ़ते हैं और उसका तर्जमा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन कुरान मजीद को क्यों पढ़ते हैं? उनका कहना है कि इसको पढ़कर दिल को सुकून मिलता है, उनके दिल को राहत आती है। यह बात आप सबके लिए भी हैरान कर देने वाली होगी। अमिताभ बच्चन ने एक बार अपनी ट्विटर अकाउंट पर यह तर्जुमा शेयर किया जिसमें कुरानी आयात मौजूद थी, जिसके बाद भारत में इंतहा पसंदों ने उन पर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाना शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन ने जब एक दफा वो शदीद बीमार हुए और अस्पताल में मौजूद थे तो उन्होंने उस वक्त भी कुरान मजीद की आयात को ट्विटर पर शेयर किया था, जिससे मालूम होता है कि इस मुश्किल हालत में भी वो अपनी सेहत के लिए कुरान मजीद को पढ़ रहे थे। मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि अमिताभ बच्चन का जो एक मशहूर प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी एक शख्स ने उन्हें कुरान मजीद का तोहफा पेश किया, जिसे अमिताभ बच्चन ने कबूल किया और उसका शुक्रिया भी अदा किया और उसे कहा कि वो इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन देखा जाता है कि वहाँ भारत में मौजूद जितने भी औलिया इकराम हैं उनके बाजारों में शिरकत भी कर चुके हैं, वहाँ पर हाजिरी दे चुके हैं और कवाली की महफिलों में भी दिखा देते हैं। अमिताभ बच्चन मुख्तलिफ मजाहिब की किताबें पढ़ते रहते हैं और इसी तरह वो इस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन ये किताब उनके सुकून का बायस बनती है। अमिताभ बच्चन इस बात का इकरार भी कर चुके हैं, ये इस किताब की सच्चाई और हिकमत को बयान नहीं करती तो और क्या है। तो दोस्तों इसके हर एक हर्फ को पढ़ने पर हमें नेकियां मिलती हैं, तो हमें भी इस किताब को लाजमी तौर पर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि भारत की अदाकारा जो साबिक मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, वो एक महफिल में तकरीब में पूरे मीडिया के सामने सूरह नस्र पढ़ चुकी हैं और उसका तर्जुमा भी कर चुकी हैं, जिसमें सब्र के बारे में बात की गई और वो कहती हैं कि ये सूरत मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये हकीकत के करीब है और इसका तर्जुमा करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी इंतहा पसंदों की जानिब से मिली और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं, जबकि हकीकत में ऐसा दिखाई नहीं देता। उनकी जानिब से कहा गया कि जहाँ मैं दूसरे मजाहब की किताबें पढ़ती हूँ, इसी तरह इस किताब को भी पढ़ा, इसका भी मुताले किया और ये सूरत मुझे बेहद पसंद आई क्योंकि इसमें हकीकत को बयान किया गया है। तो दोस्तों हमें भी इस किताब को पढ़ना चाहिए, इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब है। अपने बंदों को ए ईमान वालों, ए मोमिनों, ए अहले किताब के नाम से पुकारता है, उन्हें बताता है कि इंसान ने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, उसकी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है। अगर हम दीन इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें कुरान मजीद को पढ़ना है और कुरान मजीद पे जो अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं उन पर अमल किस तरह से करना है, उसके बारे में आगाही हमें सिर्फ और सिर्फ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको कुरान मजीद के मौजज़ात के बारे में बताया, वो इस तरह के बेशुमार किस्म के वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। ये जिन साहब का वाक़या बताया उन्होंने पहले से ही बता दिया कि उनके पास से बहुत से वाक़यात हैं जिससे कुरान मजीद की आयात को सुनकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। ये वाक़या आप सबके लिए भी हैरान कर देने वाला होगा, मगर हकीकत यही है और इन आयात पर जब गौर किया जाता है, जब तर्जुमा देखता है तो इंसान दंग रह जाता है। जो चीज़ें कुरान ने आज से 1400 साल पहले बता दी थी, साइंसदान उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करके उन्हें ही हमारे सामने पेश करते हैं और हमारी कुरान से दूरी की वजह यह है कि हम उनके इस कारनामे को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के बारे में हमें पहले ही बता दिया है। आज यहूदी ईसाई जो हैं वो कुरान मजीद की एक एक आयत का तर्जुमा जो है उसको देख रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसी की मदद से नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा और अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा उसे ज़रूर तर्जमे के साथ पढ़िएगा, क्योंकि उसका तर्जमा जब आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम हो सकेगा कि आखिर किस तरह से अल्लाह ताला हमें पुकार रहा है, हमें तालीमात दे रहा है। कुरान मजीद का तर्जुमा और कुरान मजीद की तलावत रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर किया करें। और आखिर में हम आपसे इल्तमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें।
इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने चैनल पर बहुत से इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करें। तो बताइएगा, हमारी टीम उन टॉपिक्स को देखकर, रिसर्च कर एक पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।